होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अब निकाय चुनाव पर लखनऊ में भैया जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया ओबीसी आरक्षण पर निकाय चुनाव को लेकर के, तो होना का था नगर विकास मंत्री एके शर्मा प्रस्वाता करके कह रहे थे कि योगी जी की सरकार में भैया देख लो माननीय कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण के संबंध में ट्रिपल टेस्ट कंडीशन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, उसके बाद भैया आयोग गठित करके तब जा करके चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। अब तनिक सुनो भैया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे एके शर्मा, कायदे सुनिएगा। अब जो प्रत्याशी हूँ तो जरूर सुने भैया, सुनो क्या बता रहे थे एके शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी, उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सूचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट का की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे, और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के, हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। हम नगर विकास मंत्री एके शर्मा जी की बात सुनी आपने भैया, जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल भैया देखो क्या होता है, बहुत बड़ी खबर थी, हमने क्या बता दें आपको, पर फिलहाल दूसरी खबर देख लेते हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले सारी करसंडा मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, दो बाइक सवार आमने सामने टकरा गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर हो गई। राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस को बुलाया गया, उसके बाद अस्पताल भर्ती कराया गया, फिलहाल उपचार प्रसार चल रहा है। बहुत बड़ी खबर थी, हमने क्या बता दें आपको, पर फिलहाल बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश लिया खबर से मिलेगी दबा दो, और आसपास के लोगों को वीडियो शेयर करना।